नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक तरफ जहां संसद में अगस्ता घोटाले पर घमासान मचा हुआ है, तो वहीं कांग्रेस ने सड़क पर लोकतंत्र बचाओ का मोर्चा खोला है। जंतर मंतर पर जुटे कांग्रेसी दिग्गजों ने एक साथ मोदी सरकार पर हमला बोला, लेकिन सवाल यह है कि खतरे में लोकतंत्र है या फिर गांधी परिवार? क्या यह मोर्चा इसलिए खोला गया कि अगस्ता घोटाले की आंच गांधी परिवार पर पड़ रही है? और इसी के साथ जो पोस्टर्स वहां पर लहराए गए, उसमें एक तरफ सोनिया गांधी, दूसरी तरफ राहुल गांधी, बीच में दामाद जी की तस्वीर, और इसीलिए सवाल कि क्या यह पूरा संघर्ष कांग्रेस पार्टी का एक परिवार के इर्द गिर्द सिमट गया है? अगस्ता की अंधड़ में जब गांधी परिवार के दरख्त हिलने लगे, तो कांग्रेस का कुनबा संसद से सड़कों पर आया। मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खुला और नाम दिया गया लोकतंत्र बचाओ। इस मोर्चे की वजह तात्कालिक है, लेकिन मुलम्मा मोदी सरकार के कामकाज का चढ़ाया जा रहा है। दावा है कि ये आवाज रायसेना हिल से नागपुर तक जाएगी। इतना स्पष्ट और जोरदार संदेश कि जिससे सिर्फ रायसीना हिल्स में बैठे लोग ही नहीं, बल्कि नागपुर में बैठे वे लोग भी ठीक से सुने। इससे पहले राहुल गांधी ने भी इस लड़ाई में जब मंच संभाला, तो अगस्ता घोटाले के शोर शराबे को सन्नाटे में रखा, देश के बढ़ते पारे को मोदी सरकार के सामने चुनौती की तरह परोस दिया और पूछा कि ताप में मर रहे किसानों के लिए सरकार क्या कर रही है। हर रोज 50 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। लातूर, विदर्भा, बुंदेलखंड जल रहे हैं और मोदी जी को इसके बारे में कुछ कहना नहीं। एक मंच पर कांग्रेस के दिग्गज आए, मनमोहन जैसे उम्रदराज नेता को भी आना पड़ा और हिंदी में बोलना पड़ा। सबने एक ही बात कही कि देश में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। किसान मर रहे, मजदूर मर रहे, छात्र मर रहे, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता खत्म हो रही। लब्बुलवाब ये कि देश का ही दम घोटा जा रहा। लेकिन बीजेपी ने संसद में ही मोर्चा खोले रखा। ये इत्तेफाक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी चालू संसद सत्र में सड़क पर मोर्चा खोले बैठी है, जिसका नाम दिया है लोकतंत्र बचाओ। ये तो पार्टी के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। जहां अगस्ता घोटाले में बदनामी के दाग गांधी परिवार पर पड़ रहे हैं, जिसे गलत साबित करने के लिए कांग्रेस ने युवा से लेकर सबसे बुजुर्ग नेताओं और तमाम कार्यकर्ताओं की फौज जुटा ली। जितेंद्र बहादुर सिंह और कुमार विक्रांत के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। अब ये समझने के लिए कि हमने ये पीछे क्यों लिखा है कि परिवार बचेगा तो कांग्रेस बचेगी, ये तो आपने सुन लिया अगस्ता वेस्टलैंड मामले में गांधी परिवार का नाम सामने आना, और दूसरा आज जो पोस्टर दिखाया गया, कांग्रेस पार्टी में एंट्री हो गई रॉबर्ट वाड्रा की। हाँ, पोस्टर पे सिर्फ अभी हुई है, लेकिन ये पोस्टर्स आज उसी जंतर मंतर पर दिखाई दिए। एक तरफ सोनिया गांधी, एक तरफ राहुल गांधी, बीच में रॉबर्ट वाड्रा की तार पर लगे रहे आरोपों को बचाने के इर्द गिर्द सिमट गया है। क्या यही संदेश आज नहीं गया है? कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सांसद कांग्रेस पार्टी के पीएल पुनिया साहब हमारे साथ हैं। अली अनवर जी सांसद जेडीयू के हमारे साथ हैं। और मनीषा कायंदे प्रवक्ता शिवसेना की हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले पुनिया साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूं। लोकतंत्र बचाने आज आप लोग सड़कों पर निकले थे या फिर एक परिवार को बचाने? सवाल सीधा है, जवाब भी सीधा आना चाहिए, क्योंकि जब जब आरोप गांधी परिवार पर लगते हैं तभी सक्रिय होती हुई पार्टी दिखती है। देखिए, लोकतंत्र बचाओ मार्च का आयोजन किया गया और पहले से किया गया। अगस्ता वेस्टलैंड जो आया है वो बहुत बाद में आया है, ये निर्णय पहले से था और उसके पीछे इतिहास है। हाँ। जिस तरीके से जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार, जब इन्हें लगा कि 2 साल बीत गए कुछ किया नहीं, तो और कांग्रेस पार्टी के इन्होंने देखा कि हमारा कहीं दिल्ली चला गया, बिहार चला गया, अब कांग्रेस पार्टी की जहां सरकार है उन्हीं को तोड़ो। अरुणाचल प्रदेश पे किया, यहां पर उत्तराखंड में हमला अगर किया, ये मुद्दा था, बाकी तो जगह भी इनकी रणनीति चल रही है। तो इसीलिए पुनिया जी, एक सेकंड सर, अगर यही मुद्दा था अंजना, तो अंजना जी मैं, तो वहां पर वाड्रा साहब की तस्वीर क्यों थी, पीएल पुनिया की तस्वीर क्यों नहीं थी? सुनिए तो ये
वहां पर जो आयोजन था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी दिल्ली की तरफ से है, AICC की तरफ से कोई पोस्टर नहीं है। जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कोई वो पोस्टर नहीं है, ना कोई अधिकृत कांग्रेस का पदाधिकारी है उसकी तरफ से पोस्टर है। अगर पोस्टर लगा है वो तो कांग्रेस पार्टी से नहीं लगा है, तो मुझसे जवाब क्यों पूछ रही है? और ये जिसने भी किया है, और ये हो सकता है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो विपक्ष के लोग हैं, जो अनावश्यक रूप से उनकी मुहिम चल रही है कि बदनाम करने की, हो सकता है उनकी तरफ से भी हो। तो इसलिए हम एक तरह से खारिज करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ पोस्टर से कोई लेना देना नहीं है। इस पोस्टर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, खिलाफ और पक्ष की कोई बात ही नहीं होती है। हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई पोस्टर होता है तो उसका जवाब हमसे मांगेंगे, तो ये सही नहीं है। तो और ये शुद्ध रूप से प्रजातंत्र लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या जो हो रही है उसके खिलाफ ये किया है, और हमारे नेताओं ने बहुत स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया। संबित पात्रा जी, ये पोस्टर साजिश के तहत आप लोगों ने तो नहीं लगवाए हैं? देखिए बुजुर्ग पुनिया जी, अगर इस प्रकार का जवाब देंगे तो मैं तो सिर्फ हंस सकता हूँ और उनको प्यार से नमस्ते ही कर सकता हूँ। देखिए क्या बोल रहे हैं कि ये पोस्टर हमने लगाए हैं, वो फ्रंट रो में बैठे हुए थे, सोनिया जी ऊपर से देख रही थी, वही पकड़ लेते आप उनको। पुनिया जी ऐसा मत बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप, थोड़ा सोच समझ कर बोलिए कि ये सब हमारे पोस्टर थे। थोड़े दिन बाद कहेंगे ये राहुल गांधी भी हमारे हैं, ये सब हम साजिश के अंतर्गत आपको भेजे हुए हैं, ऐसे नहीं चलता है, थोड़ा सा सोच समझ के बोलना है। देखिए अंजना जी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कांग्रेस की जो फिलॉसफी है वो फिलॉसफी है परिवार ही पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का क्या फिलॉसफी है? पार्टी ही परिवार है। भारतीय जनता पार्टी है जो भी कैडर बेस्ड पार्टी है उसके लिए होता है कि हमारा परिवार क्या है, हमारा परिवार हमारे ही संगठन के लोग, हमारे जो संगठन के मंत्री, हमारे संगठन के कार्यकर्ता, यही हमारा परिवार है। कांग्रेस का क्या होता है, क्या पार्टी क्या होती है? जो परिवार है, जो 10 जनपद में रहते हैं वही पार्टी है, बाकी किसी का कोई मतलब नहीं है। और आपने ठीक सवाल पूछा, जब जब इस परिवार के ऊपर संकट आता है तो कहा जाता है कि लोकतंत्र के ऊपर संकट आ गया है। याद करिए, जब नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट ने, किसी और ने नहीं, कोर्ट ने एक सवाल उठाए राहुल गांधी जी पे और सोनिया जी पर, तो संसद को ठप कर दिया गया। अरे कोर्ट ने, अरुण जेटली जी ने खड़े होकर कहा हमने नहीं कुछ किया है, जो किया है आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है, वैसे में आप हम पे क्यों सवाल उठा रहे हैं? ठीक है, तो स्वाभाविक है, वो मानते हैं कि परिवार अछूती है, परिवार को आज तो शेरनी कह दिया गया कि ये सोनिया जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये शेरनी है और पूरा विश्व उनसे डरता है। तो बताइए ये कहां लेके जा रहे हैं? और रॉबर्ट वाड्रा का लॉन्चिंग पैड बना है आज, आपको याद होगा चंद दिनों पहले रॉबर्ट वाड्रा जी ने एक इंटरव्यू दिया था ANI से कि मुझे प्रियंका गांधी से जोड़ के नहीं देखा जाए और मैं भी आना चाहता हूं राजनीति में। तो आज ये लॉन्चिंग हुआ है, ये क्यों झूठ बोल रहे हैं? आप तो लॉन्चिंग करना, और उनको किसानों के मसीहा के रूप में रॉबर्ट वाड्रा खुद कहते हैं मैं तो गरीब किसान हूं, तो ये गरीबों के किसान, किसानों के गरीबों के मसीहा के रूप में आज रॉबर्ट वाड्रा को लॉन्च किया है, इसे छुपाने की क्या बात है? डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने लॉन्च ही नहीं किया, आप कह रहे हैं उन्होंने लॉन्च किया है, वो तो खुद ही पुनिया साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं कि हमारे पोस्टर थे, वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले पोस्टर पकड़ के बैठे हैं, थोड़े दिन बाद कहेंगे ये राहुल गांधी भी हमारे साजिश हैं, तो सब कुछ थोड़ी मान लिया है इनकी बातें। मैंने कहा कि ये भी संभावना हो सकती है, हमने तो नहीं लगाए। ठीक है अली अनवर जी, पार्टी ने तो नहीं लगाए। अली अनवर जी, अब तो कांग्रेस पार्टी से एक अनूठा रिश्ता आपका हो गया है प्रशांत किशोर के जरिए, इसीलिए मेरा सवाल आपसे है कि लगता नहीं है साफ साफ कि मतलब जब 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 सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम आए तो पूरी कांग्रेस पार्टी सक्रिय हो जाती है, सड़क पर उतर आती है, ये वाकई लोकतंत्र की लड़ाई थी या एक परिवार की लड़ाई थी? देखिए अंजना जी, आपसे भी रिश्ता है हम लोगों का, आप भी बिहार की बेटी हैं, और इसीलिए प्रशांत किशोर जी हिंदुस्तान की बेटी है या बिहार की बेटी है, और वो वहाँ गए हैं, उससे क्यों हम लोगों को जोड़ रहे हैं? तो ठीक है, आप भी उड़ीसा के भी हैं, हिंदुस्तान के भी हैं, रिश्ते की बात हो रही नहीं, है नहीं, ये देखिए ऐसे हमें बांटना नहीं चाहिए। हो जाते मनीषा कायंदा जी भी हिंदुस्तान की है, अंजना जी भी हिंदुस्तान की है, ये खाली बिहार की उड़ीसा की क्या होता है? हाँ 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 ठीक, बोलने दो भैया। हमने कहा उसी बात, उसी पर कहा, विषय पर। हाँ। प्रोफेशनल आदमी कल तक वही प्रशांत किशोर तो आपके भी थे, आपके यहाँ भी थे, अंजना जी भी समझती हैं, आपको भी समझना चाहिए। बहरहाल कहने का मतलब ये देखिए कि जो
खतरा है जो लोकतंत्र के खिलाफ, फेडरलिज्म के खिलाफ, संविधान के खिलाफ जो भाजपा काम कर रही है सरकार, और उससे भी ऊपर जो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नागपुर बन गया है, जो न कोई चुनाव लड़ता है, न कोई उसकी संविधान के प्रति कोई आस्था है, न कोई उसने उत्तरदायित्व तो है संसद के प्रति, वहां से जो फैसले हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो आज उत्तरांचल के बारे में दे दिया फैसला। हाँ। जिस तरह से वहां गला घोंटने की कोशिश की गई थी। हाँ। वो तो फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, तो उसको उसको भी कुछ कह दीजिए, सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ कह दीजिए। तो ये है, इसमें दम है। सब पार्टी अपने अपने तरह से आंदोलन इसके खिलाफ कर रही है। हाँ। कांग्रेस कर रही है, उसको पूरा हक है। लेकिन अगस्ता में नाम आना इसकी वजह नहीं है, हम लोगों को हक है, दूसरी पार्टियां कर रही हैं। अगस्ता में नाम आना वजह नहीं है। लेकिन अली अनवर जी, अंजना जी देखिए, लेकिन विडंबना तो ये है, विडंबना तो ये है अंजना जी, कि ये रूलिंग पार्टी होकर के संसद में धरना के बाहर धरना दे रहे हैं, ये एक रेडिकुलस चीज है। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। तो सड़क पर उतरता ही है, बीजेपी ही सत्ता में, बीजेपी ही विरोध में, ये किस बात के लिए धरना दे रहे हैं? ये तो सत्ता में है, ये पकड़ ले। हाँ। जो लोग घूस लिए हैं, जो लोग किए हैं उनको पकड़े हैं, दो साल तक सोए के हुए थे। मनीषा गांधी जी, ये कहा जा, ये अच्छे कहते हैं कि भी पकड़ना चाहिए। हाँ। और भी जो, हाँ, मनीषा गांधी जी, ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश की लड़ाई को लेकर सड़क, क्योंकि अगस्ता के बारे में तो बीते दिन भी बहस हुई थी, आज भी मनोहर पारिकर ने बोला है वो एक अलग जंग है, क्या वाकई लोकतंत्र खतरे में? क्योंकि इस पर हमने सामना में भी एक के बाद एक जबरदस्त लेख देखा है सरकार की नीतियों के खिलाफ, तो क्या उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश इसके खिलाफ लोकतंत्र बचाओ आंदोलन अगर ये कर रहे हैं तो उसमें दम नहीं है? नहीं, देखिए, कांग्रेस जो है वो कंफ्यूजन पैदा करने में माहिर है। एक तो वो अगस्ता के बारे में संसद में कुछ बोलना नहीं चाहते, बाहर कुछ हुल्लड़ मचाना चाहते हैं। अब मेरे कांग्रेस के मित्रों ने कहा कि रॉबर्ट वड्रा जी का जो पोस्टर है, फोटो, वो किसने लगाया पता नहीं है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी सामने हैं, क्या वो देख नहीं रहे हैं? ये पूरे परिवार के इर्द गिर्द पूरी राजनीति कांग्रेस की जो अनेक वर्षों से चल रही है, और उनके पास जैसे अभी सोनिया गांधी जी का चेहरा कुछ साल चला तो चलो ठीक है, सरकार चला ली उन्होंने यूपीए की, फिर सोनिया जी थक गई, राहुल जी का चेहरा नहीं चला, प्रियंका जी तो कभी आए जाए चुनाव के वक्त अपने भैया के, बस उसी तक सीमित है। उसके बाद अब चेहरा चलाने की कोशिश हो रही है रॉबर्ट वड्रा की। ये दो बातें अलग हैं। जहां तक सामना, हाँ, के आर्टिकल्स है, और जो शिवसेना ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है, हाँ, कि जो बहुमत की सरकार है उत्तराखंड में हो या अन्य कई राज्यों में हो, तो उसको अगर ये इस प्रकार का सेंट्रल से दबाव लाना ये उचित नहीं है। वो है। हम उस मत से हम कहीं भी डिफर नहीं हो रहे। और जो लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार है, बहुमत की सरकार है, तो सेंटर उसमें दखलंदाजी न करे, वहां पर फ्लोर टेस्ट हो, यही हमारी पहले से कहना है कि इसको फ्लोर, और क्यों जल्दबाजी में होना चाहिए, फ्लोर टेस्ट हो भी रहा है भारतीय जनता पार्टी से, कोर्ट के जरिए रास्ता हो, जो भी हो, लेकिन अब हो रहा है संबित पात्रा जी। लेकिन उससे पहले, मैं ब्रेक पर जाने से पहले एक छोटा सा सवाल पुनिया साहब आपसे करना चाहती हूँ। ये पोस्टर बहुत खराब संदेश दे रहा है, बहुत गलत संदेश दे रहा है। आप कह रहे हैं ये पोस्टर्स आप लोगों के लगाए नहीं है, लेकिन वो कौन सी सोच और मानसिकता है कांग्रेस पार्टी के नेता की जो आपको इस पोस्टर के खिलाफ बोलने से रोकती है? पूर्णिया साहब, उस मजबूरी को जरा बता दीजिए। कौन मजबूरी की बात कर रहा है? देखिए, मैं भी उस तो बोलिए ना सर कि ये पोस्टर गलत है, हम इस पोस्टर के खिलाफ है, पर मौजूद था, मैंने तो कोई पोस्टर वहां नहीं देखा। मान लिया कि आप पोस्टर था तो जो लगाने वाले वो बताएंगे, मैंने लगाया नहीं, ना मेरा कोई उससे लेना देना है। और आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं जिससे संबंध ही नहीं है, वो उससे सवाल पूछ रहे हैं। कोई भी जाके अगर लगा दे मोर्चा, तो आपका जवाब दे, हमसे होगी। मैं समझता हूँ ये पूरी गलत बात है, और ये पूरे मामले को, अंजना जी, हाँ, पूरे मामले में ये जोड़ देना, इस पोस्टर का जोड़ देना, आपकी इतनी महत्वपूर्ण डिबेट है उसको बहुत हल्का करने का प्रयास हो रहा है, ये मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। और हम तो ये मानते हैं पीएल पुनिया साहब कि विपक्ष के रोल को भी इतना हल्का बना देना, उसका तो प्रमाण भी आ गया।
ये सवाल मैं आपसे भी पूछ सकती हूं, उसका प्रमाण भी आ गया आज कि लोकतंत्र में विपक्ष को इतना हल्का बना देना कि वो एक परिवार के इर्द गिर्द सीमित रह जाए, ये भी उतना ही गंभीर मुद्दा मुझे दिखता है। अमित पात्रा जी, आप बीच में कुछ बोलना चाह रहे थे, मैं चाह रही थी वक्त की, चूंकि इस वक्त कमी होती है, आप अपनी बात पूरी करें। लेकिन ये सवाल है कि उत्तराखंड में कोर्ट ने आपको एक तरह से बहुत बड़ा झटका दिया है, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, ये सवाल बनकर रहेंगे आप पर। देखिए, वहां तो कोर्ट में निर्णय चल रहा है, यहां भी बात हो रही थी प्रेसिडेंट सूल की, 2005 में बिहार में किया हुआ था, खुद बैठे हुए अली अनवर साहब, उनसे पूछ लीजिए किस प्रकार कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया गया था। और मैं बता दूं, जब जिसके लिए शेरनी कहा गया, मैं आदर से कहूंगा, जब कांग्रेस को लगता है कि कैद में जाने वाली है शेरनी, जब उनको लगता है कि पिंजरे में जाने वाली है शेरनी, तब इस प्रकार के सो कॉल्ड रैलीज ये करते हैं। ये देश जानता है, ये देश इनको माफ नहीं करने वाला है। जो लोग इमरजेंसी लगाते हैं वो लोग डेमोक्रेसी के बारे में भाषण ना दे तो अच्छा रहेगा। बुलेटिन की दो तस्वीरों के साथ करते हैं, एक तरफ कांग्रेस पार्टी का वो मार्च जिसके साथ आज सोनिया गांधी, तमाम वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के सड़कों पर दिखे, जिसमें राहुल गांधी थे, गुलाम नबी आजाद, जितने भी नेता, दिग्विजय सिंह से लेकर, और दूसरी तरफ पोस्टर की तस्वीर, पोस्टर जिसमें एक तरफ राहुल गांधी, सोनिया गांधी और बीच में रॉबर्ट वाड्रा के। हालांकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हमने ये पोस्टर जारी नहीं किया है, और इसी शो पर पीएल पुनिया साहब का कहना है कि हो सकता है एक साजिश के तहत इस पोस्टर को आज लहराया गया है वहां जानबूझकर। कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो संदेश गया है वो साफ दिखाई दे रहा है, और इन पोस्टर्स में इसमें मनमोहन सिंह भी सुना। हाँ संबित जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मेरी बात उस समय अधूरी रह गई थी। आप देखिए, ये पोस्टर पे जो रॉबर्ट वाड्रा का फोटो छपा है, इसको आप साधारण तरीके से मत लीजिए, मैं इसके पीछे की कहानी बताता हूँ। आप देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, पैलेस कू, अर्थात महल के अंदर षड्यंत्र होना, राजा और राजा के लोगों को बेदखल करके कहीं ना कहीं राजा बनने की कोशिश। अभी आप पुनिया साहब को सुना आपने, पुनिया साहब कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के पोस्टर नहीं है। पोस्टर तो अपने आप स्वयंभू प्रकट तो नहीं होंगे, या तो कांग्रेस के कुछ लोगों ने लगाया है या तो रॉबर्ट वाड्रा ने लगाया है। मैं आपको बताऊं, ANI को जो इंटरव्यू थोड़े दिन पहले रॉबर्ट वाड्रा ने दिया, आप इससे उसको जोड़ के देखिए, उसमें दो बड़ी बातें हुई थी। रॉबर्ट वाड्रा जी ने कहा था कि प्रियंका गांधी के साय में मुझे ना देखा जाए, मैं उस साय से अलग हूं, अर्थात मैं उस पावर टसल में अपने आप एक वजूद हूं। आपको याद दिलाऊं, 2014 में जब नतीजे घोषित हो रहे थे, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने तमाम यूपी में एक पोस्टर निकाला था। उस पोस्टर में लिखा था, मैया भई बीमार, भैया होए बेकार, अब प्रियंका लाओ कांग्रेस बचाओ। तो कहीं ना कहीं प्रियंका को लाने की जो एक कवायद कांग्रेस में चल रही थी, प्रियंका गांधी को सब्स्टिट्यूट करके रॉबर्ट वाड्रा वहां आ रहे हैं। इसको ये पैलेस कू के रूप में कांग्रेस में जो शिखर के नेतृत्व हैं वो अब कहीं ना कहीं बेकार होते जा रहे हैं, और वहां वैक्यूम क्रिएट हो गया है। उस वैक्यूम को कौन भरेगा, उसकी लड़ाई के रूप में इस पोस्टर को देखिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पुनिया साहब भी सब कुछ जानते हैं, मगर वो शालीनता से चुप बैठे हैं। वो बेचारे क्या बोलेंगे? वो बेचारे बोल रहे हैं कि बीजेपी का षड्यंत्र है पोस्टर छाप के। वो भी जानते हैं हकीकत। पुनिया साहब इस पर जवाब, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा का वो इंटरव्यू सबके पास है, और हम भी दिखाना चाहेंगे कुछ देर में, जिसमें उन्होंने राजनीति में आने की इच्छा जाहिर की थी। इंटरव्यू चाहे जो हो, जिस डेट का भी हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति मीडिया के सामने बोल सकता है, वो आप छाप सकते हैं, वो दिखा सकते हैं। तो उससे कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की वर्किंग, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में क्या फर्क पड़ता है भाई? आज आप जो संबित पात्रा जी जिस तरह से बहुत डिटेल में बता रहे हैं कि जैसे कि यही कांग्रेस पार्टी में है, यही सब अंदर की बात जानते हैं, और इनसे ज्यादा कोई जानता नहीं। ये तो नई नई बातें बता रही है, हमारी कुछ नहीं होता है। क्या हाँ हाँ, तो आप आपको तो प्रसन्न होना चाहिए अगर हमारी पार्टी में सब कुछ नहीं है, ठीक, सब ठीक। प्लीज मेहरबानी करके बोलिए मत, मैं आप बोल रहे थे, मैं एक शब्द नहीं बोल रहा था, आप हमारे सुन लीजिए अगर मेरी बात से बोलेंगे पकड़े जो ये मर्यादित ढंग से बात करिए। पकड़ लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। जो आज हमने मास्क निकाला उसका मोहर लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। तो बाद में जाइएगा, पहले 28 तारीख को घर में हो क्या रहा है? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस 28 तारीख को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए तारीख निर्धारित थी,
तो एक दिन पहले गांधी परिवार को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जितने हो रही है कांग्रेस में वही हार रहे हैं। तब आपने गांधी परिवार कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नजर आ रही है। राहुल गांधी हार रहे हैं। आपने देखे भैया राहुल गांधी जी को बोलिए वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीते। बात तो बताएंगे तो कड़वी आपको लगेंगी, लेकिन धीरज रखिए। देखिए आप बेकार की बात कर रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहूंगा कि आज जो आपने ये कह के वो टाला था कि साहब वो बहुत गड़बड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया कि नहीं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्लोर टेस्ट यही होना चाहिए, और आज स्पष्ट आ गया वो तो फ्लोर टेस्ट आज हमने जो मार्च निकाला है कि प्रजातंत्र संविधान के क्या राहुल गांधी जी कांग्रेस संविधान के खिलाफ हार रहे हैं, जो किया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने जता दी। और सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा आप बोलिएगा तो मैं भी इसी तरह से आपको बोलूंगा, ये कौन तरीका है भैया? बोलिए ये कौन तरीका है, कहां से क्लास लेके आए हैं कि इस तरह से आप करिए? तो गलत बात है, इस तरह से उचित नहीं है किसी। अपनी बात पूरी करें पुनिया साहब, वो भी बोलेंगे लेकिन आप पुनिया साहब बात पूरी करें, मुझे मेहमानों के पास देंगे रनिंग कमेंट्री देंगे तो मर्यादित ढंग से बात करिए। आप सुप्रीम कोर्ट का आपको लताड़ बगा रहा है और एक विपक्ष के नाते एक जिम्मेवार विपक्ष के नाते हमारा दायित्व है कि देश को आगे बढ़ाए, प्रजातंत्र की हत्या हो रही है। जहां संविधान के वोट पर लोग अपने आप में एक झटका है बीजेपी को, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? बिल्कुल नहीं। और उसकी पुष्टि जो हमने बात कही उसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने आज की है। 100 प्रेसिडेंट रूल लगाए हैं कांग्रेस के तमाम प्राइम मिनिस्टर्स ने, 100 खड़ा कर दिया है कि ये अभी हत्या की बात करें लोकतंत्र की। एक सेकंड दोनों एक साथ बोलेंगे तो बहुत परेशानी होती है। आपने जो कहा है पुनिया साहब, इसका जवाब नहीं है पुनिया साहब। आज चर्चा कर रहे हैं, आप जो चर्चा कर रहे हैं उसके आपके पास जवाब नहीं है पुनिया साहब। आप जो कह रहे हैं इधर उधर की बात करते हैं। मनीषा गांधी एक सेकंड आ रही है, संबित पात्रा जी थोड़ा सा रुक जाए, नहीं तो ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस रह जाएगा। मैं चाहती हूँ अन्य लोग भी आए, अनवर साहब के पास भी। मनीषा गांधी जी, उत्तराखंड के मुद्दे पर जिस तरह से कोर्ट ने आज कह दिया है नौ बागी वोट नहीं कर सकते, फ्लोर टेस्ट होगा, यानी सीधे सीधे नतीजा अभी तक जिस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, उत्तराखंड और चाहे प्रवक्ता जितने भी जोर शोर से टेलीविजन चैनल पर आज उठा दे रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दा या कोई और मुद्दा, उत्तराखंड के मुद्दे पर परास्त हुई है बीजेपी? नहीं देखिए, ये कोई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या बीजेपी वर्सेस शिवसेना इस प्रकार का मुद्दा हम नहीं सोचते हैं। हाँ। देखिए कांग्रेस भी लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस ने भी बहुत पहली बार किए है, इमरजेंसी देश पर लादी है, और अनेक मुद्दे ऐसे इतिहास में देखे तो कांग्रेस ने भी कभी लोकतंत्र को पकड़कर कभी कोई काम नहीं किया है। तो इसमें कांग्रेस को एक साफ सुथरी इसमें है नहीं, मगर इस उत्तराखंड के विषय को लेकर अगर हम एक फोकस करके देखें तो निश्चित ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो उतावलापन है कि वहां सत्ता हासिल करने की कोशिश में वो यहाँ पर नजर दिखाई देता है, इतना ही हमें कहना है। अब बोलिए संबित जी, हमें बिल्कुल कांग्रेस पर कोई विश्वास को भी नहीं दिखता है और कांग्रेस का कोई दामन साफ नहीं है। कुछ तो है जो एलआई को भी दिख रहा है। देखिए सबका सम्मान करते हुए मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कोई लताड़ तो नहीं लगाई सरकार की, बल्कि जो हाईकोर्ट का रूल था उसको रिवर्स कर दिया, प्रेसिडेंट रूल कायम रखा, फ्लोर टेस्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो 9 लोग हैं वो वोटिंग नहीं कर सकते, ये किसके डिस्क्वालिफाइड लोग हैं, ये किसके बागी हैं और क्यों बागी बने? ये 9 कांग्रेसी बागी इसलिए बने क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस नहीं है राहुल गांधी के ऊपर। यही तो मैं तब से कह रहा हूं कि राहुल गांधी हैज लॉस्ट द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस के लोगों का अब राहुल गांधी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। उत्तराखंड का हमारे से क्या मतलब? उत्तराखंड में ही हो गया। अरे फिर ये 9 लोग हमारे हैं क्या? ये 9 लोग हमारे नहीं है, ये आप बोल रहे थे तो क्यों नहीं बोलूंगा? है जिन्होंने कमेंट्री दे रहे थे, कॉन्फिडेंस हरा दिया है, कमेंट्री देते मैं क्यों नहीं बोलूंगा? रॉबर्ट वाड्रा एंटर कर रहे हैं, पैदा किया। अगर राहुल, अरे आप बुजुर्ग हैं साहब, मैं तो छोटा हूं आपके सामने, ऐसा मत करिए बच्चों के साथ, ऐसा मत करिए, आप बुजुर्ग हैं थोड़ा सा। आप अपने अपने अपना तो अपना फिकर करिए, मेरा फिकर मत करिए, मैं बुजुर्ग हूं, बच्चा हूं, जवान हूं, चिल्लाइए मर्यादित भाषा, मर्यादित भाषा में ही समझा रहा हूँ, टेक्निकल पॉइंट रख रहा हूँ साहब, टेक्निकल पॉइंट रख रहा हूँ। ये 9 लोग, ये भाजपा के तो नेता नहीं है,
या आप ही के दिग्गज नेता थे नहीं तो वो जिनका किसके नेता राहुल गांधी के ऊपर भरोसा हट गया, स्पीकर का फैसला अलग हो गया। अब ये इसीलिए तो रॉबर्ट वाड्रा फायदा उठा के अंदर घुस रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा में हो रहा है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में आप राहुल जी को कहां से लेके आए? वो राहुल गांधी कहीं नहीं आ रहे हैं, यही तो दिक्कत हो रहा है, कहीं नहीं है वो। एक सेकंड, आप लोग चिंता करिए, राहुल गांधी कहीं नहीं है इसलिए वाड्रा आने लगे हैं। ठीक है, इसीलिए मैं इस सवाल को अब आगे ले जाना चाहती हूँ। बुजुर्ग, बच्चा, बेटी, इस स्तर पर इस बहस को मत ले जाइए, कौन क्या है उसको रहने दीजिए। बुजुर्ग, बेटा, बेटी, बच्चा मत करिए। मैं अली अनवर जी आप अपनी बात भी कहिए। और क्या वाकई राहुल गांधी के मुद्दे पर बैकफुट पर है कांग्रेस पार्टी? देखिए अंजना जी, पहली बात तो मैं कह रहा हूं कि मनीषा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई कांग्रेस ने भी ऐसी बात नहीं है भविष्य में गलतियां की हैं। इमरजेंसी लगाने की बात संबित पात्रा साहब ने भी की, ठीक है, लेकिन क्या बीजेपी पार्टी विथ डिफरेंट जो अपने को कहती थी तो वो भी वही गलती कर रही है? मनीषा जी ने ठीक कहा कि बहुत उतावलापन। हम तो कहेंगे कि कांग्रेस ने घोषित रूप से एक बार इमरजेंसी इस देश को दिया, ये बीजेपी के लोग तो अघोषित रूप से इमरजेंसी लगाए हुए हैं और जिस तरह की बातें कर रहे हैं। आज देख लीजिए अंजना जी, पूरे देश में जितने यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो JNU हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, सब जगह टर्माइल सिचुएशन है। लगता है कि इन लोगों ने बच्चों को एकदम बुलडोज करने का, अपनी पार्टी को जिस तरह से बड़े बुजुर्ग नेताओं को इन्होंने बुलडोज करके और किनारे किया, उसी तरह से लगता है कि जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं आज टीचर स्टूडेंट्स, ये क्या हो रहा है साहब? लड़के यहां वहां लड़के हाजिरी देंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में? उस लड़की जो वहां की प्रेसिडेंट बनी है ऋचा सिंह, उसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं? वहां जो हैदराबाद में दलित लड़के हैं बमूला की हत्या के बाद और भी दलित और माइनॉरिटी के लड़कों को जीना हराम कर दिया है इन्होंने, पुलिस में हाजिरी लगानी पड़ती है इनको, वहां के VC नंगा नाच कर रहे हैं लड़कों के साथ, यहां JNU में कन्हैया सहित दूसरे लड़के जान देने पे। इस सवाल पर क्या बीजेपी अपोजिशन चुप रहेगा? हम लोग पार्लियामेंट में भी उठाते हैं, हम लोग सड़क पर। अनवर साहब मुझे एक ब्रेक के लिए मजबूरन रुकना पड़ रहा है, लेकिन आपके परिवार बचेगा तो कांग्रेस बचेगी। आप देख रहे थे हमारी विशेष पेशकश। लेकिन इस बीच आज रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने अगस्ता वेस्टलैंड मुद्दे पर लोकसभा में बोला था, उनसे बात की हमारे सहयोगी मंजीत नेगी ने, सुनिए क्या कह रहे हैं। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में कांग्रेस के आक्रामक रुख के बीच रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पहले राज्यसभा में और अब लोकसभा में करारा जवाब दिया। हमारे साथ रक्षा मंत्री हैं। पर्रिकर जी, आपने कहा कि त्यागी और खेतान तो इस बहती गंगा में हाथ धोने वाले हैं, असल में ये गंगोत्री कहाँ है, हम उनको ढूंढेंगे। छोटे ऑफिसर और ऑफिसर्स उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, मुझे तो गारंटी है कि ऑपरेशन जो पूरा प्रोसीजर किया है उसमें इतने कंसेशन और इतने डायरेक्शन दिए गए उसको कि एक सिंगल वेंडर सिचुएशन आए तो उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ घोटाला है। और प्राइस के बारे में मैं कन्विंस नहीं हूँ, जो एयरफोर्स ने भी उसकी कीमत बताई थी 100 करोड़, उसके बाद में 300 करोड़ पे खरीदना, ये कुछ तो उसमें कुछ तो समथिंग रॉन्ग लगता है। तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कोई बड़े आदमी का हाथ होने के बाद ही ऐसी चीज़ें हो सकती है, तो ज़रूर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और मुझे गारंटी है इन्वेस्टिगेशन से कुछ ना कुछ तो ऐसा निकलेगा जिसका कांग्रेस को डर है। कांग्रेस कह रही कि उन्होंने पहले एक्शन लिया, उन्होंने CBI इंक्वायरी ऑर्डर की। आपने कहा कि मामले में देरी हुई, अगर पहले 2012 में जब मामला पहली बार सामने आया था तुरंत कार्रवाई कंपनी पर की होती तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ती। 2012 में मामला सामने आ गया और ये लोग एम्बेसी को लेटर भेजते गए, जो रूट उन्होंने लिया वो इनडायरेक्ट रूट है। डायरेक्ट रूट कंपनी आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ना, इंटीग्रिटी पैक्ट आपने कंपनी के साथ साइन किया है, कंपटीट कंपनी को बोलना चाहिए था कि आप यू कम क्लीन अदरवाइज वी आर स्टॉपिंग द प्रोसीजर, कुछ नहीं हुआ। और एक्शन CBI को कब दिया? जब ORC को अरेस्ट हो गया
और अभी मामला दबा नहीं रह सकता है, पूरे दुनिया को मालूम हो गया, उस समय सीबीआई को दिया। तो इट्स एन स्टेप आउट ऑफ नेसेसिटी, कंपल्शन के कारण लिया हुआ स्टेप था। बारी आपके सवाल की है, जो सवाल हमने आपसे पूछा था कि क्या गांधी परिवार पर सीधा आरोप लगने की वजह से आज कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरी इस मार्च को करने के लिए। 95% हल्ला बोल देखने वाले दर्शक कहते हैं हाँ, जबकि बाकी 5% कहते हैं नहीं। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही, ब्रेक ब्रेक के उस पार, इंडिया 360।